कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होगा देखो यदि ए व बी दो घटनाएं हों यदि ए व बी दो घटनाएं हों और एस कुल घटनाओं का देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने से पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पढ़ाऊंगा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ेंगे बेज थ्योरम होगी रैंडम वेरिएबल होगा वेरिएशन होगा सब कुछ होगा क्लियर अब यहां पर आप लोगों को एक ये बात जरूर नोटिस करनी चाहिए कि हर एक क्वेश्चन की एक अलग आइडेंटिटी है कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन तो हमें आ रहा होता है उस टाइम जब हम कर रहे होते हैं उस टाइम हमें क्वेश्चन तो आ रहा होता है लेकिन हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको कह रहा हूं कि चार पांच क्वेश्चन मतलब चार पांच एक्सरसाइज है ना पांचों ही क्वेश्चन के अलग अलग टाइप है और आप आइडेंटिफाई करना भी बहुत आसानी से सीख जाओगे क्लियर क्योंकि मैं आपको क्लू बना बताने वाला हूं ना तो यहां पर आज मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो उसमें कोई नहीं डालते है। अब कंडीशन डाल दी जाती है तो सबसे पहले आप लोग यदि ए व बी दो घटनाएं हो और एस कोई सैंपल स्पेस कुल घटनाएं हो गई क्लियर सैंपल स्पेस की दो घटनाएं हमें देरी ए बी ज्यादा भी हो सकती है तब एक के घटित होने के बाद दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता तब एक के घटित होने के बाद दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता कोई प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं सह प्रतिबंध यानी हमें एक देखा कि यह काम तो हो चुका है अब बताओ आप तो इसके होने के क्या चांसेज क्लियर तब हमें बताना होगा जैसे कि अगर मैं बात करूं एक सिक्का उछालने पर एक सिक्के को दो बार उछालने पर विचार करो आप एक सिक्के को हमने दो बार उछाला क्या क्या आ सकता है हेड हेड टेल टेल क्लियर एक सिक्के को दो बार उछालने पर दोनों बार या फिर एक बार एच आने की प्रायिकता क्या है तथ्यता एक बार एच आने की तो ये वाली होगी एक बटे बाद दो क्योंकि दो तो अनुकूल हो जाएगी और चार कुल हो जाएगी क्या क्वेश्चन पूछा एक सिक्के को दो बार उछालने पर तथ्यता एक बार ए चने की प्रायिकता क्या होगी तो दो बटे अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है एक सिक्के को दो बार उछालने पर एक सिक्के को दो बार उछालने पर तथ्य ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात है कि पहली बार एच प्रकट हुआ हो पहली बार एच प्रकट होना चाहिए तो स्टूडेंट फिर आप बाउंड हो जाओगे कि पहली बार तो एच इसी में आएगा तो फिर अनुकूल स्थितियों की घटनाएं भी घटेगी क्लियर तो ये तो एक आइडेंटिटी थी कि यदि यह ज्ञात है कि यह दिया गया है कि इस टाइप के वर्ड आपको देखने को मिलेंगे तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखिए दो घटनाओं की प्रायिकता आपसे पूछी जा रही है कि ए व बी दो घटनाएं देर की ना तो ए के घटित होने के बाद बी के घटित होने की प्रायिकता ए के घटित होने के बाद B के घटित होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी हो तो पी बी अपॉन ए जो घटना घटित हो चुकी है उसका संकेत नीचे आएगा और उसका फॉर्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए क्लियर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ये फॉर्मूला है अगर बाई चांस बी घटना की प्रायिकता निकालनी हो बी के घटित होने के बाद ए घटना की प्रायिकता आपको निकालनी हो तो जिसकी निकालनी हो तो ऊपर आएगा जो घटित हो चुका है उसकी नीचे आएगा तो पी ए अपॉन बी बराबर आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हिंट देखिए आप इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे ना उसमें क्वेश्चन में ही आपको ये दो शब्द देखने को मिल सकते हैं यदि यह है ज्ञात है कि या फिर यह दिया गया है कि ये दो दो चीजें आपको देखने को मिल सकती है क्लियर तो स्टूडेंट ये तो हो गया आपके फंडामेंटल अब मैं इस पर बेस्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ एग्जाम्पल से चीजें सारी समझ में आ जाएगी क्लियर प्रोबेबिलिटी आपको आसान लगेगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर देख लेना आप लोग कि सारे क्वेश्चन तो काफी मजेदार थे हम तो ऐसे ही डर रहे थे क्लियर तो देखिए यहां पर मेरी बातों को सुनते जाइए और कॉन्फिडेंस अपना भी बढ़ाते जाइए देखिए पहला क्वेश्चन पी ए दे रखा है पी बी दे रखा है एंड पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपको पी ए अपॉन बी निकालना है अच्छा स्टूडेंट अपॉन का फॉर्मूला क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी तो पी ए इंटरसेक्शन बी ये दे रखा है आपको ये दे है। ये दे रखा है तो तो इससे कट जाएगा जाएगा आंसर क्या आ सर पी ए तो काम में आया ही नहीं अरे भाई नहीं आया तो हमें क्या मतलब है नहीं आया तो नहीं आया ये हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर अब मैं शुरुआत करता हूँ सॉल्व करने की देखिए सेकेंड क्वेश्चन और सुनना ध्यान से वो तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ना यार पी ए दे रखा है पी बी दे रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा और ए अपॉन बी पूछ रहा था ए अपॉन बी कैसे निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए से क्लियर पी बी सॉरी सेकेंड जो एग्जाम्पल है इसमें एक परिवार के एक परिवार में दो बच्चे हैं अब एक परिवार में दो बच्चे सोचो 하루, क्या क्या हो सकता है हो सकता है कि दोनों ही लड़कियां हो हो सकता है कि पहली लड़की हो दूसरा लड़का हो हो सकता है कि पहला लड़का हो दूसरी लड़की हो और हो सकता है कि दोनों ही लड़कियां हो तो सिंपल स्पेस बनाओगे सबसे पहले आपको सिंपल स्पेस बनाना है कुल cool घटनाएं बनानी है क्लियर तो स्टूडेंट यहां पर कुल cool घटनाएं जब आप बनाओगे तो ये एस इस प्रकार आ जाएगा एस में या बॉयज अगर मैं लड़के को बी और लड़की को जी कहता हूं हो सकता है कि दोनों ही लड़के हो हो सकता है कि पहला लड़का हो बाद में लड़की हुई हो हु। या फिर गर्ल्स पहले हो फिर बाद में लड़की या फिर दोनों ही लड़कियां हो यह तो बन गया है सिंपल स्पेस एक परिवार में दो बच्चे हैं यदि यह ज्ञात है कि जब भी आपको यह दिखे ना अच्छा देखो समस्या इसमें क्या रहेगी कि सर कैसे पता चलेगा कि कौन सी घटना घटित हो चुकी है तो वो आपको कैसे पता चलेगा यदि यह ज्ञात है के बाद में जो स्टेटमेंट होगा ना वो घटना घटित हो चुकी है 99 परसेंट केस में ऐसा ही होगा क्लियर तो देखिए फिर यहां पर एक परिवार में दो बच्चे हैं क्लियर यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से एक कम से कम एक तो बच्चा लड़का है यदि यह ज्ञात है कि कम से कम एक बच्चा तो लड़का है तो घटना ए लिखो आप घटना ए मैं पूरी डिटेल लिखवा रहा हूं शुरू में ताकि आप घटनाओं को भी पहचानना सीख जाओ कम से कम एक लड़का होना कम से कम एक लड़का होना ये अगर मैं बात करूं कम से कम एक लड़का होने की अगर कुल घटनाओं को आप लिखना चाहोगे तो सैंपल स्पेस में आपको देखना है कि ऐसी कितनी घटनाएं जिसमें कम से कम एक बी है तो एक तो है बीबी बी एक है बीजी और एक आपके जीबी क्लियर फिर घटना बी क्या है क्वेश्चन क्या, क्या है कि एक परिवार में दो बच्चे हैं उससे तो मैंने सैंपल स्पेस बनाया उसके बाद यदि यह याद है कि कम से कम परिवार में कम से कम एक बच्चा लड़का है ज्ञात कीजिए कि दोनों तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है बी घटना आप नाम दोगे कि दोनों बच्चे लड़का होना बी घटना क्या हो जाएगी दोनों का दोनों के लड़का होना लड़का होना क्लियर तो देखो बी में क्या आ जाएगा बी बी दोनों के लड़का होने का मतलब ये नहीं कि दोनों कौन मतलब उस परिवार में आगे बात समझ में तो देखिए फिर एक बार वापस सिंपल स्पेस तो क्या हो गया एक परिवार में दो बच्चे होने के कुल अनुमान कितने बी 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 जी जी बी जी जी क्लियर और घटना ए क्या है यदि यह ज्ञात है कि उस परिवार में एक तो लड़का कम से कम एक लड़का तो है तो कम से कम एक लड़का है तो एक घटना में कम से कम एच की तरफ देखो कम से कम एक बी कहां दिखाई दे रहा वो आ जाएगा और बी में क्या आएगा जिसकी प्रायिकता आपको निकालनी है तो देखो जो घटना घटित हो चुकी है उसका संकेत तो आता है नीचे उसका संकेत तो आएगा नीचे और जिसकी ज्ञात करनी है उसका आएगा ऊपर तो इसमें आपके क्या आ जाएगा देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लो ना इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अच्छा देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने ए कितने तो तो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है तो एक है एक तो फिर यहां पर ए इंटरसेक्शन बी बीबी निकालो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा आपके बी बी तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी आपके क्या है वन है तो आपके आंसर आ जाएगा वन अपॉन में थ्री क्लियर तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन लगेंगे फिलहाल आप लैंग्वेज को समझते जाइए क्योंकि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अगर आप काफी लंबे समय बार पढ़ रहे हैं ना तो थोड़ा सा पांच छह क्वेश्चन होने दीजिए आपको सारे क्वेश्चन एक जैसे ही लगेंगे एक जैसे लगेगा मतलब ये कंफ्यूज नहीं करेंगे मतलब समझ में आ जाएंगे क्लियर अगला सवाल देखिए एक बक्से में एक से लेकर दस तक के कार्ड एक बक्से में दस कार्ड एक से दस तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं क्लियर और उन्हें अच्छी तरीके से मिलाया गया है मान लो आप गेम खेल रहे हो और आप दस पर्चियां रखकर

इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा ना ये घटना घटित हो चुकी है क्लियर हमें प्रायिकता निकालनी है इस संख्या के सम होने की क्लियर तो स्टूडेंट सबसे पहले स्पेस लिखो कि पर्ची जो है ना एस उसमें क्या क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन ये तो सैंपल स्पेस हो गया और घटना ए हम किसको नाम दे रहे हैं ए हम नाम दे रहे हैं यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या तीन से अधिक होना निकाले गए कार्ड पर संख्या तीन से अधिक होना तीन से अधिक होना तो स्टूडेंट तीन से अधिक होना यह तो घटना होगी हो तो देखो ना यहां पर सैंपल स्पेस की तरफ की तीन से अधिक कौन कौन सी है चार पांच छ सात आठ नौ दस ये हो जाएगी बी घटना क्या है बी में संख्या के सम होने की प्रायिकता आपको ए की तरफ नहीं देखना है ए और बी दोनों ही घटनाएं एस से ही निकालनी है क्लियर तो इस संख्या के सम होने की प्रायिकता तो ऐस की तरफ देखो सम कौन कौन सी है दो चार छह आठ और दस तो ये आ जाएगा आपके संख्या के सम होना सॉरी संख्या का सम होना अब स्टूडेंट आप लोग एक बात बताओ कि बी में आएगा क्या तो बी में दो चार छ आठ और दस आएगा देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर मैं पूछूं तो कितने हैं तो एक दो तीन चार पांच छ सात और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं तो पांच है ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी में देखो ना कॉमन क्या है तो 4 है 6 है 8 है 10 है देन यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएंगे आपके 4 देन प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालनी है यदि यह ज्ञात है कि निकाले गए कार्ड पर तीन से बड़ी संख्या है यानी घटना ए घटित तो हो चुकी है आपको बी की प्रायिकता निकालनी है तो बी अपॉन में ए जो घटना घटित हो चुकी है उसका संकेत नीचे आता है और इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्लियर तो स्टूडेंट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी तो क्या हो जाएगा आपके चार और ए में कितने हैं सात ये हो गया आंसर क्लियर आगे बढ़ते थे बहुत ही अच्छा सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से देखने की जरूरत है इस टाइप का क्वेश्चन ये बोर्ड के तो फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं आपका भी फेवरेट हो सकता है एक स्कूल में एक हजार विद्यार्थी है और उसमें से चार तीस लड़कियां हैं क्लियर अच्छा देखो कुल कितने हैं कुल कुल मतलब सिंपल स्पेस में एस में कितने हैं एक हजार है और उसमें से गर्ल्स कितनी है चार सौ तीस है तो फिर बॉयज कितने हैं ऑब्वियस है कि पांच सौ सितर लड़कियों एक स्कूल में एक हजार विद्यार्थी है जिसमें से चार सौ तीस लड़कियां हैं लड़कों की संख्या नहीं बताई कोई बात नहीं यह ज्ञात है कि 430 में से 10 प्रतिशत लड़कियां ट्वेल्थ में पढ़ती है अरे भाई लड़कियां हर क्लास में पढ़ेगी तो ट्वेल्थ में कितनी पढ़ती है यह कह रहा है कि यदि यह ज्ञात है कि 430 में से 10 लड़कियां ट्वेल्थ में पढ़ती है तो देखो ट्वेल्थ की लड़कियां कितनी हो जाएगी ट्वेल्थ में गर्ल्स ये कितनी हो जाएगी चार का दस ये आ जाएगा आपके तैयारी क्लियर एक पाठशाला में एक हजार विद्यार्थी हैं में से 430 सौ तीस लड़कियां हैं क्लियर तथा यह ज्ञात है कि 430 में से 10 प्रतिशत लड़कियां ट्वेल्थ में पढ़ती है क्या प्रायिकता है कि आपको इसकी प्रायिकता निकालनी क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी ट्वेल्थ में पढ़ता हो ट्वेल्थ में पढ़ता हो यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है चुना गया विद्यार्थी क्या है लड़की है तो स्टूडेंट आपको यहां पर क्या करना है सबसे पहले घटनाएं पहचानना सीखो एक घटना क्या और बी घटना क्या है जरूरी नहीं कि ए को घटित हो चुकी है उसको ए नाम दे बी भी, भी दे सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है संकेतों तो से कोई फर्क नहीं पड़ता तो सबसे पहले तो देखो ए घटना में उसको नाम दे रहा हूं जो ऊपर लिखा हुआ ना कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा ट्वेल्थ में पढ़ता तो मैं क्या लिखूंगा घटना क्या लिखूंगा चुना गया विद्यार्थी ट्वेल्थ का हो चुना गया विद्यार्थी किसका हो ट्वेल्थ में पढ़ता हो ये मैंने लिख दिया उसके बाद बी घटना क्या लिखूंगा बी में मैं लिखूंगा यदि यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की हो चुना गया विद्यार्थी क्या हो लड़की हो तो यहां पर क्या लिखोगे चुना गया विद्यार्थी विद्यार्थी लड़की हो अब आप लोग देखो कि ए में और बी में क्या आएगा तो एक को निकालने के लिए देखो चुना गया विद्यार्थी ट्वेल्थ में पढ़ता हो क्या आप बता सकते हो ए में क्या आएगा नहीं बता सकते हो क्योंकि आप ऐसे बता सकते हो क्या कि चुना गया विद्यार्थी ट्वेल्थ में पढ़ने वालों की कुल संख्या बता सकते हो क्या नहीं बता सकते हो केवल लड़कियों की पता है लड़कों की कहां पता है नहीं पता है क्लियर तो ये तो समस्या हो गई तो समस्या हो गई तो छोड़ दो ना ज्यादा परेशान क्यों होते हैं अच्छा चुना गया विद्यार्थी लड़की हो ये बता सकते हो क्या हाँ ये बता सकते हैं कि चुना गया विद्यार्थी लड़की हो तो ये कितनी चार सौ तीस है क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है चार सौ तीस है ऐस में देखना है कि में लड़कियां कितनी है क्लियर अब आप लोग देखो कि पूछा क्या गया है हमें यहाँ पर पूछा गया है कि चुना क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी ट्वेल्थ में पढ़ता हो चुना गया विद्यार्थी क्या हो ट्वेल्थ में पढ़ता हूं जिसकी तो आपको प्रायिकता निकालनी है और यदि यह ज्ञात है कि वह विद्यार्थी लड़की है तो जो घटित हो चुकी है यदि यह ज्ञात है कि घटित हो चुकी है जो नीचे आएगा जिसकी प्रायिकता निकालनी है ऊपर आएगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी तो पता है चार ए में अवयव नहीं पता सोचो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में निकाल लेंगे क्या अगर डायरेक्ट ही ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे तो फिर ए की जरूरत ही क्या तो फिर दोनों स्टेटमेंट को एक साथ पढ़ो ए और बी में कॉमन होने चाहिए तो ए और बी स्टेटमेंट को साथ में पढ़ो कि चुना गया विद्यार्थी ट्वेल्थ का भी होना चाहिए और ट्व... चुना गया विद्यार्थी लड़की भी होनी चाहिए अगर ए इंटरसेक्शन बी को मैं एक साथ पढ़ता हूं तो ऐसे कितने हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो अर्थात ट्वेल्थ में भी पढ़ता हो और लड़की भी हो ऐसे है 43 क्योंकि तैयलीस ऐसे विद्यार्थी हैं जो ट्वेल्थ में भी पढ़ते हैं और लड़की भी है तो यहां पर क्या आ आ तो आ जाएगा 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 देखो इसमें तो और इधर कितना आपके बी चार सौ तीस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का मीन यहां पर आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब चुना गया विद्यार्थी विद्यार्थी ट्वेल्थ का ट्वेल्थ की लड़की हो बस ये हो गया काम अगली बात सुन अब मैं बढ़ता हूं आगे एक पासे को तीन बार उछालने के परीक्षण में एक पासे को तीन बार उछाला गया ए और बी इसको निम्न प्रकार परिभाषित किया गया पहले हम सिंपल स्पेस के बारे में विचार करते हैं अगर संभव हुआ तो लिख लेंगे असंभव हुआ तो कोई बात नहीं एक पासे को तीन बार उछालो पासे पर कितने फलक होते हैं कितने फेस होते हैं सिक्स अगर थ्री टाइम अगर आप उसको फेंक रहे हो तो सिक्स की पावर थ्री दो सो सोलह हो गए लिखेंगे क्या दो सौ सोलह नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं नहीं लिखेंगे तो इतना तो कर ही सकते हैं ना कि पासे को तीन बार उछालने पर पासे को तीन बार उछालने पर उछालने पर कुल घटनाएं कुल घटनाएं हो जाएगी आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस ये हो जाएगी सिक्स की पावर में थ्री इट मीन्स टू वन सिक्स ये तो सैंपल स्पेस बना लिया अब देखो ए और बी घटना इसने ही दे रखी है और ए घटना क्या है कि तीसरी उछाल पर चार प्रकट होना क्लियर और बी घटना क्या है पहली उछाल पर छ और दूसरी उछाल पर पांच प्रकट होना अगर आप हिम्मत कर लेते हो सर मैं तो सारे लिखने का प्रयास करता हूं ऐसे लिखोगे वन 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 टू वन वन थ्री वन वन फोर वन वन, वन फाइव वन वन यही तो लिखोगे तो मेरी हिम्मत तो इतनी है। क्लियर? आप तो ए में आ जाओ ए में ए में अगर मान लो ये निकालना हो आपको ऐसी कितनी घटनाएं जिसकी तीसरी उछाल पर चार आपको दिखाई देगा तो आप सेंपल स्पेस की जो 216 घटनाएं हैं उन पर विचार करो ऐसी घटनाएं लिखने का प्रयास करो जिसमें तीसरी उछाल पर आपको चार दिखाई देना चाहिए बाकी से हमें कोई मतलब नहीं तो यहां पर वन वन फोर वन टू फोर वन थ्री फोर वन फोर फोर वन फोर वन फोर वन फाइव फोर, फोर वन सिक्स फोर अभी तो छह हुई ऐसे ही आगे बढ़ेंगे टू वन फोर टू टू फोर जो इमेजिन कर लेंगे उनके लिए दिक्कत नहीं है जो नहीं कर पा रहे हैं वो पूरा ही देखो आप तो शुरुआत है क्या दिक्कत है हमें कोई जल्दबाजी नहीं टू सिक्स फोर ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो थ्री वन फोर थ्री वन फोर थ्री टू फोर थ्री थ्री फोर थ्री फोर फोर थ्री फाइव फोर और थ्री सिक्स फोर फोर वन फोर फोर टू फोर फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर फोर सिक्स फोर फिर फाइव वन फोर फाइव टू फोर फाइव थ्री फोर फाइव फोर फोर फाइव फाइव फोर फाइव सिक्स फोर मैं वो सारी घटना लिखना का लिखने का प्रयास कर रहा हूं जिसमें लास्ट में आपके फोर दिखाई देना चाहिए तो दो सोलह तो नहीं लिख पाए लेकिन थोड़ी बहुत तो हिम्मत कर ही सकते हैं इतनी चीज छत्तीस घटनाओं की हिम्मत तो कर ही सकते हैं ये हो गई आपके एक घटनाएं यानी ऐसी घटनाएं हमने लिख ली जिसमें आपके तीसरी उछाल पर चार दिखाई देता हूं अब मैं बी का प्रयास करता हूं जिसमें पहली उछाल पर छह और दूसरी उछाल पर पांच यानी फिक्स कर लो पहली पर और दूसरी पर पांच तीसरी पर अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो तो वन आ सकता है सिक्स फाइव टू हो सकता है सिक्स फाइव थ्री हो सकता है सिक्स फाइव फोर हो सकता है सिक्स फाइव फाइव हो सकता है और सिक्स फाइव और सिक्स हो सकता है क्लियर अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने तो छत्तीस है क्लियर और अगर मैं पूछूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं तो सिक्स है क्लियर कितने हो गए आपके सिक्स अब अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ ए और बी में कॉमन क्या है ए और बी में कॉमन क्या है तो स्टूडेंट देखो ना कॉमन क्या दिख रहा है आपको हालांकि मैंने डिटेल तो पूरी समझाई है लेकिन जब बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इमेजिनेशन पावर इतना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आप ए इंटरसेक्शन अपना उद्देश्य पूरा डायरेक्ट कर सकते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको छोटे की तरफ देखो सिक्स फाइव वन इधर मिलेगा क्या तो सिक्स फाइव वन नहीं मिलेगा कौन मिल सकता है जिसके लास्ट में चार रहा हो तो सिक्स फाइव फोर सिक्स फाइव फोर मिल जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा क्लियर तो स्टूडेंट यहां पर आपके ए इंटरसेक्शन बी में क्या जाएगा सिक्स फाइव एंड फोर तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने आ जाएंगे वन तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए किसकी पूछ रहा है ये कह रहा है कि बी गठित हो चुकी है ए की प्रायिकता ज्ञात करो तो ए अपॉन बी विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने वन बी में कितने हैं तो सिक्स वन बाई सिक्स इसका आंसर है सर इतना बड़ा तो इतनी तो जगह ही नहीं होती है तो देखो ना किसने कहा इतना सारा लिखने की वो तो मैं आपको समझा रहा हूं आप तो देखते पहले ये इंटरसेक्शन बी अपॉन में बी में अवयवों की संख्या तो बी तो छोटा सा है बेचारा इसमें तो छह अवयोग जाएगी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए और बी को साथ साथ पढ़ो कि तीसरी उछाल पर तो आना चाहिए चार और पहली और दूसरी उछाल पर आना चाहिए पांच तो ऐसी कितनी घटनाएं जिसमें पहली और दूसरी उछाल पर तो छाए और पांच आ जाए और तीसरी उछाल पर चार आ जाए सिक्स फाइव फोर ओनली तो ऊपर तो आ जाता एक और बी में क्या था कि पहली और दूसरी पर तो आ जाना चाहिए और पांच और तीसरी फ्री रहती तो फ्री में छह स्थितियां लिख सकते थे एक बटेवा छा आ जाता क्लियर धीरे तो धीरे सोचना शुरू करो अब मैं जैसे जैसे कह रहा हूं अगला सवाल एक पासे को दो बार उछाला गया है छत्तीस घटनाएं हो जाएगी ना प्रकट हुई संख्याओं का योग पाया गया प्रकट हुई संख्याओं का योग बल आपको नहीं लगता ये बात इसने कह दी नहीं कर दिया क्या यदि ये ज्ञात ये है कि यह नहीं के इस बार थोड़ा सा घुमाया इसने बस यदि यह ज्ञात है कि यह घटना घटित हो चुकी है तो इस बार यही तो कह रहा है कि आपने दो पशो को उछाला और प्रकट हुई संख्याओं का योग छ पाया गया क्लियर तब संख्या चार से न्यूनतम एक बार प्रकट होने की चार से छोटी संख्या एक बार प्रकट होने की सह प्रतिबंध प्रायत्त निकालनी है तो देखो एक बार कैसे सबसे पहले आप एस बनाओ सैंपल स्पेस तो वन 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 टू सॉरी वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स बनानी चाहिए बचने का प्रयास नहीं करना चाहिए सर बहुत टाइम लगता है इमेजिनेशन पावर उसी का बढ़ता है जिसने खूब सारी प्रैक्टिस की हो आपको ये छत्तीस घटनाएं मुझे पता है कि सारी की सारी आ रही है लेकिन लिख लो ना क्या दिक्कत है जितना समय उसमें क्वेश्चन में लगाओगे उससे ज्यादा तो इसमें हो जाएगा फटाफट फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर और सिक्स ऐसे ही फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स क्लियर ये तो सैंपल स्पेस हो गया अब आप लोग देखो वापस आ जाता हूं मैं प्रकट हुई संख्याओं का योग छह पाया गया संख्या चार के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता निकालनी है तो सबसे पहले एक घटना तो मैं नाम दे रहा हूं कि प्रकट संख्याओं का योग चार आना सॉरी छ प्रकट संख्याओं का योग संख्या का योग छ आना तो सैंपल स्पेस में देखो आप और ऐसी कितनी घटनाएं हैं है जिसमें अंकों का योग आ रहा हो तो एक तो मुझे दे रही है। एक टू फोर थ्री थ्री फोर टू फाइव वन सिक्स जीरो भी लिखू क्या हो तो रहा ना योग बल से लेकिन जीरो होता है क्या नहीं होता है क्लियर बी घटना किसको नाम दे रहा हूं मैं बी जिसकी प्रायिकता निकाल रहे ना कि चार का संख्या चार के न्यूनतम एक बार प्रकट होना संख्या चार का न्यूनतम न्यूनतम एक बार प्रकट होना प्रकट होना क्लियर तो अब आप एस की तरफ देखो और यह पता लगाओ कि चार जो अंक है ना वो कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए ऐसी कितनी स्थितियां हैं तो देखो एक तो वन फोर है पहली लाइन में आपको वन फोर मिल जाएगा क्योंकि कम से कम एक बार तो ही ना फोर मिल जाएगा थ्री फोर मिल जाएगा फोर वाली पूरी लाइन फोर वन फोर टू फोर थ्री फोर 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 फाइव फोर सिक्स उसके बाद फाइव फोर उसके बाद सिक्स फोर फाइव फोर और सिक्स फोर क्लियर ये आपके बी हो गया अब आप लोग देखो कि में एलिमेंट कितने हैं भाई तो में एलिमेंट हो गए आपके वन टू थ्री फोर फाइव बी में एलिमेंट कितने हैं तो बी में हो गए आपके एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह हो गए क्लियर फोर फोर आएगा कि नहीं आएगा अगर आप यह करोगे न्यूनतम एक बार ही आना चाहिए यह नहीं कह रहा है कह रहा है कि कम से कम एक बार तो आना चाहिए अंक जो चार है ना वो न्यूनतम एक बार तो होना चाहिए क्लियर तो स्टूडेंट एक से ज्यादा वाली तो आएगी इसमें ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी का देख लेते हैं वन पाइप है क्या उसमें तो आएगा कौन जिसमें एक तो चार होना ही चाहिए तो एक तो टू फोर दिखाई दे रहा है एक फोर टू दिखाई दे रहा है और कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा क्लियर तो अगर मैं पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है तो आपको बताना चाहिए कि सर है करना क्या है यहां पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है ये तो योग फल तो छह प्रकट होना दिया गया है आपको चार की प्रायिकता निकालनी है यानी बी की निकालनी है घटना घटित हो चुकी है फॉर्मूला होगा ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या और ए में अवयवों की संख्या तो ए में तो है और इंटरसेक्शन में सॉरी पांच बाद दो और दो पांच क्लियर यह आंसर हो गया नेक्स्ट अब स्टूडेंट यहां पर मैं सेवन एग्जाम्पल ले रहा हूं और सेवंथ एग्जाम्पल क्या है देखो एक सिक्के को उछालने पर एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार की। कीजिए यदि सिक्के पर चित आता है आता है तो सिक्के को ही वापस मतलब एक सिक्के को और उछालेंगे क्या कह रहा है एक सिक्के को उछालो आप और उस सिक्के पर क्या क्या हो सकता है या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है अगर हेड आया तो फिर आपको एक बार और सिक्का फेंकना और अगर टेल आया तो आपको पासा फेंकना है क्लियर पहले आपको सैंपल स्पेस बनाना है उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट यहां पर इस क्वेश्चन को मैं आपको करवाने वाला हूं ट्री डायग्राम से और ट्री डायग्राम आप बनाना सीख लीजिए कोई मुश्किल नहीं है एक कॉइन था आपके पास जिसको अगर आप उछालते हो तो क्या क्या आ सकता है फर्स्ट टाइम जब आपके पास कॉइन था ना तो हो सकता है कि हेड आ जाए और हो सकता है कि क्या आ जाए आपके टेल आ जाए क्लियर अब सिक्के को उछालने पर परीक्षण पर विचार कीजिए यदि सिक्के पर चित आता है एच तो वापस सिक्के को उछालो आप तो सिक्के को उछालोगे तो क्या आ सकता है हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है परंतु यदि सिक्के को सिक्के पर अगर पट आता है तो पासे को फेंका जाएगा अगर आप इधर फेंकते हो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स क्लियर ये आ गया आपके अब स्टूडेंट यहां पर सैंपल स्पेस बना लो पहले और सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपके हेड 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 टेल टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव और टी सिक्स वेरी स्पेशल क्वेश्चन है यहां पर इस क्वेश्चन में मिस्टेक होने की पूरी पूरी संभावना है और वो जो मिस्टेक होने की संभावना वो मैं करूंगा पहले फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि ये मिस्टेक क्यों हुई क्लियर देखिए फिर आप एक सिक्के को उछालने पर विचार कीजिए कर लिया विचार अगर एच आएगा तो सिक्के को फेंकना है और टेल आएगा तो पासे को फेंकना फेंक दिया सिंपल स्पेस तैयार अब देखो यदि घटना कम से कम एक प्रकट होना घटित होना दिया गया है ये घटना घटित हो चुकी है कौन सी कम से कम एक बार टी आना तो एक घटना क्या हो जाएगी आपकी कम से कम एक बार टी प्रकट होना तो आप सैंपल स्पेस की तरफ देखो और ऐसी कितनी घटना है जिसमें एक बार कम से कम एक बार टी है एच टी है टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव और टी सिक्स ये, ये कम से कम एक बार कम से कम एक बार पट पट प्रकट होना दिया गया यानी ये हम समझ चुके हैं कि घटना एक घटित हो चुकी है तो पासे पर चार से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता आपको निकालनी है तो एस की तरफ देखो ऐसी कितनी घटनाएं जिसमें चार से बड़ी संख्या है टी फाइव और टी सिक्स क्लियर अब स्टूडेंट यहां पर ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं पूछता हूं ना तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा आपके टी फाइव और टी सिक्स आएगा टी फाइव और टी सिक्स ठीक बात है आ गया अभी टी फाइव और टी सिक्स अब देखिए इधर क्या गलती हो सकती है और क्यों होगी गलती दोनों ही कारण मैं आपको बता दूंगा यहां पर नॉर्मली अपना प्रोसेस जैसा रहा है ना उसी के आधार पर मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ अपना प्रोसेस ये रहा है कि सर आप एन ए में अवयव गिन लो सात हो गए क्लियर कि आठ हो गए सॉरी ये तो एस है ए में एलिमेंट कितने हैं एन ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है बी में एलिमेंट कितने हैं तो बी में टू है इंटरसेक्शन में कितने हैं इंटरसेक्शन में आपके पास अवय दो क्लियर तो आपको यहां पर करना क्या है आपको यहां पर करना है कि बी घटना ए घटना तो घटित हो चुकी है और इसकी जिसको बी नाम दिया ना उसकी प्रायता निकालना तो जब आप इसको ऐसे सोल्व करते हो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए तो ये आंसर आपके क्या आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी में तो कितने हैं दो ए में कितने हैं सात जो गलत आंसर ये क्या समस्या होगी दो बटे साथ अब तक तो कर रहे थे ठीक था मामला और यहां गलत हो गया तो गलत क्यों हुआ देखिए अब पर और एक नोट भी आपको लिखना है कंडीशनल में और वो नोट ये है जब परीक्षण या प्रयोग दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ होता है क्लियर जब परीक्षण दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो आप फॉर्मूला क्योंकि मैंने आपको इसके दो फॉर्मूले लिखा है एक तो ये वाला एक ये लिखा है P A इंटरसेक्शन B अपॉन में P है जिसको काम में बहुत कम ले रहे हैं क्योंकि इससे नंबर ऑफ एलिमेंट से आसान हो जाता है तो मैं ये कह रहा हूं कि जब अलग अलग ऑब्जेक्ट से काम किया जाता है प्रयोग में सम्मिल सम्मिलित होने वाले ऑब्जेक्ट दोनों ही अलग हो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर सिक्का है और दूसरा यहाँ पर पासा है कॉइन और डाइस है देन स्टूडेंट आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगाना है आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला आगे बात समझ में तो दो बटे हुए साथ को मैं गलत कर चुका हूं अब मैं आ जाता हूं अपने राइट पाथ पर तो आप जरूर इसको लिख लें कि यह स्थिति गलत है नोट क्या लिखोगे यदि प्रयोग में दो अलग अलग ऑब्जेक्ट शामिल हो तो ये फॉर्मूला काम में नहीं लेंगे जबकि ये वाला फॉर्मूला काम में लिया जाएगा क्लियर तो अब आप लोग देखिए मैं यहां पर मुझे ये तो पता है कि मुझे बी घटना की प्रायिकता निकालनी है और ए घटना घटित हो चुकी है और ये मैं निकालने वाला हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ठीक बात है ये भी निकाल लिया अब मैं आपको एक कला सिखा रहा हूं और वो कला क्या है देखिए एक अवयव को देखकर भी आप प्रायिकता निकाल सकते हैं जैसे कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि एच 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 टी टी एच और टी टी है क्लियर अगर मैं आपको ये पूछूं कि बताओ

एंड सिक्स सिक्स छत्तीस होगी ना एक पासे पर कोई भी एक अंक प्रकट होने की संभावना कितनी होती? एक क्या है तो आपका आंसर होगा कि सर एक तो ये अभी हो गया और कुल छत्तीस है इसलिए एक बेटे अच्छा हो गया अब मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपने कुल सैंपल स्पेस नहीं भी बनाया होता तब भी आप एक बेटे छत्तीस दे सकते हो कैसे अगर मैं आपको ये पूछू की बताओ

तो जो गलतियां थी वो मैंने करवा दी आप लोगों से टू बाई सेवन आंसर आया था गलत था अब मैं इसको राइट करवा रहा हूं अब आपको पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना सबसे पहले तो पी ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे तो ये रहा आपके पी ए इंटरसेक्शन बी जिसमें टी फाइव और टी सिक्स एलिमेंट है टी फाइव और टी सिक्स तो इसकी प्रायिकता एक बटेवा बारह हो जाएगी क्योंकि वन बाई टू इंटू वन बाई सिक्स टी तो है पासे का सिक्के का जिसकी प्रायिकता वन बाई टू और फाइव किसका है का जिसकी प्रायिकता सिक्स अगेन सिक्स ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप निकालना चाहोगे तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी तो ए की आ जाएगी आपके पी एच टी पीएचटी पी टी वन पीटी टू टी टू पी टी थ्री पी टी फोर टी फाइव और ऐसे ही क्वेश्चन में तो बनाते हैं जल्दबाजी में आंसर दो बटे का साथ पक्का मिलेगा वहां पर और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जब सरल भी पूछते हैं तो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हैं जिसको लेकर हम पूरे आश्वस्त नहीं होते हैं जिनको पूरा नॉलेज नहीं होता ना वो तो ऐसे ही करते थे क्लियर तो स्टूडेंट यहां पर अगर मैं आपको ये कि ये कितना आएगा तो वन बाई फोर वन बाई ट्वेल्व वन बाई ट्वेल्व कितनी बार आएगा वन बाई ट्वेल्व छ बार आएगा हो गया क्या हाँ हो गया तो वन बाई फोर और ये वन बाई टूल को जोड़ोगे तो छह बटेवा बारह यानी एक बटेवा दो आ जाएगा और ये हो जाएगा आपके थ्री बाई फोर हो जाएगा क्लियर सो so आंसर जो है स्टूडेंट आपके क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए ये आ जाएगा आपके ए इंटरसेक्शन बी की प्राइता कितनी वन बाई सिक्स और इसकी कितनी आ गई आपके थ्री बाई फोर तो यह आ जाएगा वन बाई सिक्स और फोर बाई थ्री तो इसको कैंसिल कर दो ये आ जाएगा आपके दो बटेवा नो तो राइट आंसर जो है स्टूडेंट वो आपकी क्या है वन बाई सिक्स इन टू फोर बाई थ्री और राइट right आंसर है आपके टू बाई नाइन और आंसर हम जल्दबाजी में क्या देते थे टू बाई सिक्स दोनों दो, दो चीजें मैंने नहीं सिखाई एक तो आप एक ऑब्जेक्ट को देखकर भी उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी लिख सकते हो क्लियर अब मैं बढ़ता हूं आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो लड़कियों वाला कौन सी लड़कियों वाला वो 430 लड़कियों वाला क्लियर पहला सवाल देखिए एक्सरसाइज तेरह पॉइंट एक में आ चुका हूं और पहला सवाल इस प्रकार है कि E और F इस प्रकार की घटनाएं हैं कि E की प्रायिकता देर की F की देर की है इंटरसेक्शन देर का E अपॉन F और ये भी कोई क्वेश्चन बताऊं क्या बता देता हूं एक तो बता देता हूं E इंटरसेक्शन F इसका हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एप अपॉन में पी ई e. दोनों ही रिजल्ट आपको दे हैं इंटरसेक्शन तो टू और जीरो पी बी निकालना है सवाल लगता है हो सकता है कि टाइपिंग में मिस्टेक कर दी हो या नहीं की नहीं की भाई मैं पी ए को देख रहा हूं क्यों देख रहा हूं मेरे, मुझे पहले फॉर्मूला भी तो लिखना चाहिए कि हो सकता है कि मेरी रिक्वायरमेंट की सारी चीजें दे रखी हो वास्तव में हुआ भी ऐसा सही जीरो पॉइंट थ्री टू अपॉन में जीरो पॉइंट फाइव तो यह आ जाएगा बत्तीस बटेवा पचास यानी सोलह बटेवा पच्चीस इसका आंसर होता है आगे बढ़ो ए देर का बी दे रखा है पी ए अपॉन बी दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो देखो ना ये फॉर्मूला जो होता है उसकी हेल्प से मैं चल रहा हूं हम ये जानते हैं कि पी ए अपॉन बी अच्छा बी अपॉन ए दे रखा ना तो हम ये जानते हैं कि बी अपॉन ए ये बराबर होता है आपके पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए के तो पी बी अपॉन ए दे रखा आपको जीरो पॉइंट फोर हमारी रिक्वायरमेंट में है और पी ए कितना है तो जीरो पॉइंट एट है तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाते हो तो आपका आंसर आ जाता है जीरो पॉइंट थ्री टू क्लियर फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो पी ए अपॉन बी चाहिए तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला लिख लो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपके जीरो पॉइंट थ्री टू और पी बी कितना आ गया आपके जीरो पॉइंट फाइव अच्छा उतना ही आ गया उतना ही आ गया बत्तीस बटेवा पचास ये था और बत्तीस बटिया पचास पिछला वाला था वो तो अच्छा ये तो ये वाला था आ तो ये आ गया ना सोलह बटिया पच्चीस ठीक है तीसरे की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पी ए यूनियन बी पूछा है और पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था लास्ट लेक्चर था आपके इलेवेंथ का जिसमें पी ए यूनियन बी इसका फॉर्मूला क्या होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए यूनियन बी तो कितना होगा पी ए यूनियन बी तो हमें निकालना है और पी ए कितना है तो 0.8 पॉइंट पी बी कितना है 0.5 पॉइंट ए इंटरसेक्शन बी ये निकाल रखा है 0.32 पॉइंट थ्री टू तो कितना आ जाएगा 0.98 पॉइंट नाइन एट आ जाएगा क्लियर तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन ए यूनियन बी निकालना है क्लियर तो ए यूनियन बी की रिक्वायरमेंट क्या है PA और पी बी क्लियर तो स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो पी यूनियन बी निकालना है तो पी ए चाहिए इन दोनों से आ जाएगा, जाएगा। इंटरसेक्शन नहीं दे रखा है इंटरसेक्शन से जाएगा तो देखिए यहां पर सबसे पहले अगर आप इन दोनों को लेते हो तो आपके पी ए कितना आ जाएगा तो पी ए आ जाएगा आपके पांच बटेवा छब्बीस और पी बी तो पी बी तो आपके पांच बटे बटेवा तेरा फाइव अपॉन थर्टीन क्लियर और आपको पी ए अपॉन बी गिवन है टू बाई फाइव हम ये जानते हैं कि ये पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या आ जाएगा पी बी जो आपके टू अपॉन फाइव के इक्वल हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो निकालना है तो यह आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर टू बाई फाइव इंटू पी बी विच इज इक्वल टू फाइव अपॉन थर्टीन तो यह आ जाएगा आपके टू अपॉन में थर्टीन क्लियर अब आ जाओ आप इधर जिसमें आपको पी ए यूनियन बी निकालना है पी ए यूनियन बी पी ए कितना है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी तो पी ए तो है आपके फाइव अपॉन ट्वेंटी सिक्स और ये 13, और इंटरसेक्शन में है टू अपॉन में थर्टीन तो ट्वेंटी सिक्स अगर मैं लेता न, 5 10 4, कितना हो हो गया 20, इसका आंसर हो जाएगा लिये? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं छोड़ सकते यूनियन देगा यूनियन से तो पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से तो ये निकाल लेना और ये आते ही पहले ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं अब आप देखिए 6 से लेकर नौ तक के क्वेश्चन जिसमें आपको क्या निकालना है जिसमें आपको निकालना है e अपॉन f अब ध्यान से देखना यहां पर 6 से लेकर नौ तक के सभी क्वेश्चन में आपको e और f घटनाएं दे रखी होगी 6 से लेकर 9 तक के सभी क्वेश्चन में आपको e और f घटनाएं दे रखी होगी और आपको अपॉन e एफ ही निकालना है मैं एक मिनट के लिए यह चाहूंगा कि आपको सारी क्वेश्चन के दर्शन करवा देता हूं आप लोग पोज कर करके मेरे से आगे भी अगर करना चाहे तो सिक्स ट्राई करना मतलब मैं करवा रहा हूं भी। ये सातवा आठवा नववा क्लियर दसवा ग्यारह सारे देख लो ना क्या दिक्कत तेरह चौदह ये क्वेश्चन हो गए क्लियर अब मैं आ जाता हूं पीछे यहां पर यहां पर वापस क्लियर हमें ई अपॉन एप निकालना एक सिक्के को तीन बार उछाला गया है अच्छा एक बात बताओ एक सिक्के को तीन बार उछालने पर कुल घटनाएं कितनी होगी तो टू की पावर थ्री यानी एट होगी और इन एट सभी को कैसे लिखते हैं शॉर्ट में फोर टाइम एच एंड फोर टाइम टी लिख दो आठ का आधा कर दिया ना फिर आठ का आधा मतलब चार बार चार बार टी चार का भी आधा आता टू टाइम एच और टू टाइम टी अगेन टू टाइम एच और टू टाइम टी वन टाइम एच वन टाइम टी एच और टी एच टी एच और ये हो गया आपकी टी अगली बात समझ में तो ये सारे मैंने लिख लिए हैं अब स्टूडेंट आप लोग देखो क्या है पहला सवाल ई है तीसरी उछाल पर तो होना पहला क्वेश्चन कर रहा हूं लिए होगा। एक सिक्के को तीन बार उछालने की कुल घटना आपके सामने ई में क्या आएगा तीसरी उछाल पर एच होना चाहिए तो ई घटना में तीसरी उछाल पर एच तो पहला आएगा कि नहीं आएगा डेफिनेटली आएगा बस तीसरी जगह ही तो देखना है फिर आएगा एच टी एच फिर क्या आएगा टी एच एच फिर क्या आएगा टी टी एच आएगा ये ई हो गया फिर एप क्या हो गया एप हो जाएगा आपके पहली दोनों उछालों पर एच होना चाहिए एच, एच 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 टी एंड बस ई इंटरसेक्शन एप भी आपको चाहिए होगा तो एच एच एच, एच, एच ओनली क्लियर तो यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हो जाएंगे तो चार और पूछू अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन एप कितने हो जाएंगे दो और एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एप कितने हो जाएंगे तो एक अच्छा एक बात तो एलिमेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते कि नहीं लगा सकते तो लगा सकते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि यहाँ पर प्रयोग में लिए जा रहे हैं तीनों ही ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, सिक्के ही है तो फिर हमें समझ ही नहीं तो स्टूडेंट अब आप लोग देखो कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको करना क्या है ई अपॉन एप निकालना है ई अपॉन एप तो ई अपॉन एप कैसे आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एप अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एप तो ई इंटरसेक्शन एप में तो है वन और एप में है तो टू ये आंसर हो गया बाकी सेकेंड वाला ई अपॉन एप अब मैं थोड़ा सा आपको डायरेक्ट लिए चलता हूं कि पी एप e बराबर क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एप अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एप यही तो चाहिए तो देखो एप में अधिकतम एक चित अधिकतम एक ही चित होना चाहिए इस सैंपल स्पेस की तरफ देखो अधिकतम एक बार एच हो ऐसी कितनी घटनाएं तो ए, एक दो और तीन ये तीनों घटनाएं ऐसी जिसमें एक बार क्या है एच है कौन कौन सी अधिकतम एक बार ही एच होना चाहिए उससे कम चलेगा तो उससे कम ये भी चलेगा क्लियर ऐसी घटनाएं होगी जो यहां पर एप में आएगी तो चार आएगी क्लियर ऐसी कुल कितनी घटनाएं हो गई चार हो गईन ऐप ई इंटरसेक्शन एप में क्या आएगा अधिकतम एक एच होना चाहिए और न्यूनतम दो एच होने चाहिए न्यूनतम दो एच तो होने चाहिए न्यूनतम दो एच की घटनाओं को जब आप यहां पर डार्क करते हो न्यूनतम दो एच तो कौन कौन सी आएंगी आप लोग ध्यान से देखना न्यूनतम दो एच कहां ये चलेगा ये चलेगा और ये चलेगा और ये भी चलेगा क्लियर अब अगर मैं पूछूं कि बताओ ऐप की घटनाएं कौन सी थी तो ऐप की घटनाएं आपके ये वाली थी ऐप की जो घटनाएं थी ना ये वाली थी जिसमें जिसमें क्या था आपके अधिकतम एक बार एच होना चाहिए तो ग्रीन वाले में और ब्लैक वाले में कॉमन कितना है? नथिंग। नथिंग तो, तो कॉमन अगला सवाल देखो दो सिक्कों को एक बार उछाला गया है ई अपॉन एपी निकालना नौ तक तो दो सिक्के को एक बार उछाला गया है तो सैंपल स्पेस बना लो फटाफट एच 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 टी टी एच और टी टी ये हो गया दो सिक्के को एक बार उछाला गया है ई एक सिक्के पर पट प्रकट होना ये तो है आपके ई और ऐप क्या है सिक्के पर एच प्रकट होना चित का मतलब एच से और पट का मतलब टी से तो ई घटना में क्या आएगा सिंपल स्पेस की तरफ देखो एक सिक्के पर टी होना चाहिए एक सिक्के पर पट प्रकट होना यानी एच टी और टी एच एक सिक्के पर ही होना चाहिए पट अगली बात समझ में ऐप में क्या आएगा ऐप में आएगा एक सिक्के पर h प्रकट होना तो ये आएगा ht और th इसमें भी ही आ गया क्लियर तो स्टूडेंट यहां पर e इंटरसेक्शन ऐप में क्या आएगा तो दोनों ही आएंगे ना ht और th तो बताओ आपको जो pe अपॉन ऐप निकालना है उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या बटे में ऐप में अवयवों की संख्या ये हो जाएगा आपका आंसर अगली बात समझ में तो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट आपके फर्स्ट अब मैं इसी का सेकंड ले लेता हूं जिसमें आपको ई e में क्या लिखना है कोई पट प्रकट नहीं होना चाहिए कोई भी टी नहीं दिखना चाहिए तो एच एच ही आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट अगर पूछो तो एक हो गया एप में कोई चित नहीं होना चाहिए कोई भी चित नहीं होना चाहिए इसमें तो कोई भी टी नहीं होना चाहिए कोई भी टी नहीं होना चाहिए तो एच एच अब कोई भी एच नहीं होना चाहिए तो क्या आएगा टी टी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एप कितने हो गए वन हो गए अगर मैं ये पूछूं कि बताओ कॉमन क्या है तो कॉमन तो कुछ भी नहीं दिख रहा है तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉमन तो कुछ भी नहीं तो ई इंटरसेक्शन एप में अभी हो कितने हो गए जीरो तो आपको क्या पूछा जाएगा ई अपॉन एप तो ये आ जाएगा 0 बटे 1 आंसर आ जाएगा क्लियर छोटे-छोटे सवाल हैं अब तो बहुत मजे के साथ आप कर सकते हो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि एसआर आर के क्वेश्चन मत करिए लेकिन एसआर आर में इस टॉपिक में पर्टिकुलर आप इसलिए ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि बेज के क्वेश्चन बीच में मिक्स आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी क्या जाते हैं कंडीशन अब तो अभी तक तो आप आइडेंटिटी नहीं सीखे और फिर वो सारे मिक्स करना थोड़ा ठीक नहीं रहता है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए और मैं आपको गारंटी भी तो दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन इसी में से आना है लेकिन प्रैक्टिस के लिए उनको भी आप लोग कर सकते हैं क्लियर अब मैं बढ़ता हूं आगे एक पासे को तीन बार उछाला गया एक बार और मैं बता देता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि सर हमसे तो क्वेश्चन निकल ही नहीं रहे अरे भाई हमसे क्वेश्चन जो फर्स्ट राउंड चलता है ना उसमें आपसे क्या नहीं निकल रहे हैं? आपके पड़ोसी से ही नहीं निकल रहे क्लियर तो पहली बार तो सारा लेना पड़ता है कुछ मेरा सारा कुछ पीछे से देख देख कर सारा लेते हैं क्लियर ऐसे ही तो चीजें वापस धीरे धीरे अपडेट होती है वो सीखते जाते हैं वो सीखने का अवसर होता है वो समय जो है सीखने का होता है फिर रिवाइज जब करते हैं ना तब काम सही हो जाता है क्लियर अब आप लोग देखो एक पासे को तीन बार उछाल रहे हैं 216 घटनाएं होंगी ये तो हम समझ ही गए 216 ई में क्या आएगा तीसरी उछाल पर चार प्रकट होना और यह तो क्वेश्चन कर चुके हैं क्लियर तो नहीं करेंगे दोबारा आज इसमें एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र खड़े हैं सोचो तीनों ही शादी में गए माता पिता और पुत्र तीनों शादी में गए शादी में गए तो फोटो खिंचवाएंगे ना तो स्टेज पे गए तीनों ही स्टेज पर चढ़ रहे हैं अभी और सामने उनके मिलना मिलने वाला वहां पर बैठा है वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि देखना ये कैसे खड़े होंगे कि पति पत्नी पास में खड़े होंगे और लड़के को साइड में कर देंगे नहीं नहीं बीच में बच्चे को खड़े खड़ा करेंगे और पति पत्नी साइड में खड़े रहेंगे ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उस फोटो में वही कुल सैंपल स्पेस होगा तो देखो यहां पर एक पारिवारिक चित्र में माता पिता और पुत्र अगर मैं माता को एम मदर फादर और एस कह दूं तो कैसे खड़े हो सकते हैं हो सकता है कि मदर और फादर साथ खड़े हो जाएं और बच्चे को साइड में कर दें क्लियर अच्छा साइड में ऐसे भी तो कर सकते हैं ऐसे भी तो कर सकते हैं क्लियर हो सकता है कि बच्चा इस स्थिति में आ जाए एस बीच में और एम और ऐप क्लियर और ऐसा भी तो हो सकता है एप एस और एम स्थिति हो सकती है और क्या हो सकता है देखो बीच में भाई इसमें बीच में एक बार तो क्या गया एक बार तो आ गया यहां पर बीच में यू समझो आप और अच्छे से इजी करते हैं हो सकता है कि बीच में लड़का खड़ा हो अब बीच में लड़का इस प्रकार खड़ा हो सकता है एप एस एम और एप एस हो सकता है कि मदर बीच में खड़ी रहे तो मदर बीच में ऐसे खड़ी हो सकती है क्लियर हो सकता है कि फादर बीच में खड़े रहे एम एफ एस और एस एप और एम ये सिंपल स्पेस बन गया क्लियर अब आप लोग देखो ई घटना क्या है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा होना चाहिए एस एक एक पर पर है और 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 दो तीन चार चार ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें पुत्र सिरे पर खड़ा है एस एप एफ एफ एम एस एम एफ एस और एस एफ और एम क्लियर एफ क्या होगा एफ पिताजी बीच में हो तो पिताजी बीच में ये रहे एम एफ एस और एस एफ और एम क्लियर इंटरसेक्शन में क्या आएगा इंटरसेक्शन में तो कॉमन होगा जो आएगा तो एम एफ एस है क्या बिल्कुल है एम एफ और एस एस एफ एम बी है क्लियर तो स्टूडेंट यहां पर कितने अवयव हो जाएंगे अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर मैं पूछूं ई में कितने होंगे तो सिक्स होंगे एप में कितने होंगे दो होंगे ऐप में कितने होंगे दो और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन ऐप में कितने होंगे तो दो होंगे क्लियर तो आपको यहां पर क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी कौन सी चाहिए ई अपॉन ऐप एप की तो ई में इंटरसेक्शन में है दो अवयोग और ऐप में भी है दो अवयोग तो ये आ जाएगा आपके वन क्लियर अच्छा सवाल था आप लोग अगर इसमें इमेजिनेशन पावर काम में ले रहे हैं तो समझ में आ गया होगा जो मैंने एग्जाम्पल लिया उससे अब हम फेंक रहे हैं दो पासे दोनों ही पासे ही है एक ही ऑब्जेक्ट है एक काला और एक लाल होने से क्या फर्क पड़ गया है? है तो पासे ही ना क्लियर एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है क्लियर पहले सिंपल स्पेस बना लेते हैं काले और लाल पासे को तो स्टूडेंट कुल घटनाएं कितनी होगी दो पासे फेंक रहे हैं तो छत्तीस स्थितियां होगी ना तो छत्तीस स्थितियां मैं बना रहा हूं काले और लाल पासे को हम फेंक रहे हैं तो पहले काले को फेंक रहे हैं तो क्या काले पर क्या क्या आ सकता है वन उसके साथ लाल का लिखेंगे वन पहली लाइन पर देता हूं मैं वन 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 और वन कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा भी तो हो सकता है टू काले पासे पर टू आ सकता है और क्या हो सकता है थ्री हो सकता है और फोर हो सकता है और क्या हो सकता है काले वाले पासे पर फाइव आ सकता है और क्या हो सकता है सिक्स आ सकता है क्लियर तेरा पॉइंट दो में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट ये पूरी होने वाली है आपके लेकिन इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप सर्च जरूर करें ये क्या कह रहा है कि एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया तो काले पासे पर पहली बार काला पा उछाले तो काले पर ये आ सकता है लाल पर क्या आ सकता है अगर काले पर बन आया था तो लाल पर एक आ सकता है दो आ सकता है तीन भी आ सकता है चार भी आ सकता है पांच भी आ सकता है छह भी आ सकता है अगर काले पर दो आता ना तो भी वन आ सकता है टू थ्री फोर फाइव और सिक्स या फिर वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स ऐसे ही वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स आ सकता है क्लियर तो स्टूडेंट ये सारी स्थितियां मैंने बना ली छत्तीस अब मैं आ जाता हूं इस पर क्या पूछा जा रहा है ये पूछ रहा है पहला सवाल ये पहला सवाल कि पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल न होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है यदि यह ज्ञात है कि काले पासे पर पांच प्रकट हुआ हो यानी यह घटना तो नीचे वाली तो घटित हो चुकी है ऊपर वाले की निकालनी है। क्लियर तो मैं यहां पर इसको अगर ई नाम दे देता हूं तो ई में क्या लिखूंगा मैं प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना संख्याओं का योग 9 होना नो होना हो क्लियर और इसको मैं नाम दे देता हूं एप और ऐप में क्या आएगा काले पासे पर काले पासे पर तीन आना पांच आना पांच प्रकट होना अब आप लोग देखो कि ई में क्या आएगा तो संख्याओं का योगफल नो होना चाहिए तो नो कहां पर हो सकता है तो पहली लाइन में बिल्कुल नहीं होगा दूसरी में नहीं होगा तीसरी में जाके पहली बार हो जाएगा थ्री सिक्स फिर क्या हो जाएगा फोर फाइव फिर क्या हो जाएगा फाइव फोर फिर क्या हो जाएगा सिक्स थ्री हो जाएगा क्लियर ये हो गया ई ऐप में क्या आएगा का? काले पासे पर पांच आना तो काले वाले पासे पर पांच ये रहा देखो ये वाली लाइन पूरी आ जाएगी फाइव वन फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव फाइव और फाइव और सिक्स क्लियर अब अगर आप इंटरसेक्शन निकालना चाहोगे तो ई इंटरसेक्शन ऐप में क्या आएगा इन सब में शुरुआत में पांच है तो इनमें देखो शुरुआत में पांच में आ रहा है ओनली फाइव और फोर में ही आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपके आपको क्या निकालना है यहां पर प्रायिकता निकालनी यहां पर इसको तो मैंने ई e माना है और इसको हमने माना है तो घटना घटित हो चुकी है तो ई e की प्रायिकता निकालनी तो ई e अपॉन एप तो इंटरसेक्शन में अभी तो है एक और एप में अभी कितने हैं तो एक दो तीन चार पांच और छे। ये छह आ गए क्लियर अब यहां पर आप लोग देखो जो बी पार्ट है इसका इसको कैसे करना है बी पार्ट मैं इसमें ई घटना और एप घटना ही दे देता हूं लिखना नहीं चाहिए पांच पर प्राप्त संख्याओं का योग आठ होने को अगर मैं ई कह दू तो लाल पासे पर चार से कम आने को मैं क्या कह देता हूं एप कह देता हूं क्लियर तो देखिए यहां पर ई और एप आपके सामने है इस घटना को तो मैं ई नाम दे रहा हूं नीचे वाले को एप नाम दे रहा हूं तो यहां पर क्या आएगा देखो ई घटना में क्या आएगा में वो स्थिति आएगी जिसमें प्राप्त संख्याओं का योग आठ होना चाहिए तो आठ एक तो हो जाएगा आपके टू सिक्स और क्या हो जाएगा फोर फोर फाइव थ्री और सिक्स टू सेवन वन भी आएगा क्या सेवन वन कहा से आएगा सेवन होता ही नहीं पासे पर क्लियर ऐप ऐप में क्या आएगा लाल पासे पर चार से कम लाल पासे पर चार से कम चार से कम कौन सी संख्या है लाल पासे पर चार से कम में ये वाला डिवाइडर ये वाला डिवाइडर तो देखो लाल पासे पर ये सारी संख्या क्या है चार से कम क्लियर तो स्टूडेंट ये चार से कम हो जाएगा तो अब मैं इसको तो ऐसे लिख देता हूँ वन 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 टू वन थ्री ऐसे ही टू वन टू 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 थ्री और ये आपके लास्ट में आ जाएगा सिक्स थ्री क्लियर तो ये क्या हो गया आपके एप हो गया अब आप इंटरसेक्शन में देखो क्या आएगा इंटरसेक्शन में आएगा आपके कि सेकेंड पोजिशन की जो संख्या है ना वो तीन से छोटी होनी चाहिए तो ये नहीं, ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा ये नहीं आएगा चार से छोटी संख्या होनी चाहिए तो ये आ जाएगा फाइव थ्री आपको मिल जाएगा और एक आपको क्या मिल जाएगा सिक्स टू क्लियर तो स्टूडेंट यहां पर प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है हमें निकालनी है कि घटना तो घटित हो चुकी है ऐप तो और ई की प्रायिकता निकालनी ई एप अपॉन एप। तो कॉमन अभियोग तो हो जाएंगे दो और एप में हो जाएंगे आंसर क्लियर तो। अब देखो आगे अच्छा सवाल है ये एक पासे को उछाला गया है और घटनाएं पहले ही दे दी एस तो हम जान ही रहे हैं ऐस की जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे ई ऐप और जी घटना इसने पहले ही दे दी अब इसके बाद ये कह रहा है कि आपको निकालना क्या ई अपॉन ऐप पहला सवाल अगर हमें ई अपॉन ऐप निकालना है तो कैसे निकालेंगे दो? P e upon app. तो ये हो जाएगा आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन ऐप अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऐप तो ई और ऐप में पहले कॉमन क्या है तो ई और ऐप में कॉमन ओनली तीन है तीन ही कॉमन है तो अब यो कॉमन अवयु कितने हो गए एक और एफ में कितने अवयव है तो दो है तो आ जाएगा क्लियर ऐसे ही पी अपॉन ई की अगर ये बात करेगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है ई e और एफ के एक है और ई e में कितने एलिमेंट है तो तीन एक बटे और तीन आ जाएगा क्लियर ऐसे ही मैं ले रहा हूं दूसरा तो दूसरा तो आप कर लेना मैं तो तीसरा ले रहा हूं क्लियर तीसरा देखो ये आपके पूछ रहा है पी ई यूनियन ध्यान से देखना है यहां पर पी इ यूनियन ऐप ई यूनियन P -E App, e App, और अपॉन में जी इसका रिजल्ट हमसे पूछ रहा है क्लियर अब इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन P इंटरसेक्शन जी अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी तो इसको आपको करना चाहिए तो कैसे करोगे सबसे पहले तो ई यूनियन P में कितने अवयव हैं तो ई यूनियन ऐप में वन टू थ्री और फाइव हो जाएंगे अब ये जो ई यूनियन ऐप आया ना इसका आप इंटरसेक्शन ले लीजिए जी के साथ तो ये जी लिखा हुआ जिसमें दो तीन चार पांच है तो इसमें दो तीन और पांच को मना जाएंगे क्लियर तो अभी वो कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई यूनियन ऐप इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन जी कितने हो गए आपके ये हो जाएंगे आपके तीन तो इधर तो आ जाएगा ऊपर तो तीन और जी में कितने हुए हैं तो चार तीन बटे हुए चार क्लियर अब इसका सेकंड आपको करना है इसी तरीके से कर लोगे ना बारवा क्वेश्चन मान लेने मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने की संभावना बराबर है यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं सोचो दो बच्चे किस प्रकार के हो सकते हैं क्लियर सोचो किसी परिवार में दो लड़के दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चे या तो बॉयज होंगे या पहला बॉय दूसरा गर्ल्स या पहला गर्ल्स दूसरा बॉय या दोनों ही गर्ल्स हो सकते हैं क्लियर तो जन्म लेने वाले बच्चा जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होने की संभावना बराबर है यदि किसी परिवार में दो बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की आपको प्रायिकता निकालनी है दोनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता निकालनी यदि यह दिया गया है कि यदि यह दिया गया है कि छोटा बच्चा लड़की हो और न्यूनतम एक बच्चा लड़की यानी घटना घटित होने वाली संभावनाएं दो अलग अलग देर की है अगर मैं ए पहला क्वेश्चन करता हूं तो ए घटना में क्या आएगा आपके कि दोनों बच्चों के लड़की होने की दोनों के जी होने की जी होने की स्थितियां तो देखो देखिए दोनों के जी होने की स्थितियां और बी में क्या आएगा तो बी में आएगा पहला सवाल कर रहे हैं ना तो सबसे छोटा क्या होना चाहिए सबसे छोटा जी होना चाहिए जी हो क्लियर तो ए में तो वो स्थितियां लिखो जिसमें दोनों ही लड़कियां हो तो दोनों ही लड़कियां जी और जी आ जाएगी बी में क्या आएगी जिसमें छोटा वाला जी होना चाहिए तो छोटा एक तो जी बी में है और इसमें भी तो छोटी लड़की है दूसरी कुछ भी हो क्लियर ये हो गया आपका काम अब आप ए इंटरसेक्शन बी जब निकालोगे तो a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा g एंड g निकालना क्या है यहां पर इसके ये घटना तो इसकी तो प्रायिकता निकालनी है और ये घटना लड़की होना घटित होना दिया गया जिसको हमने b नाम दिया जो घटित हो चुकी है उसको बीच, नीचे लिखते हैं तो a इंटरसेक्शन b अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन b तो a इंटरसेक्शन b में कितने अभी-अभी 1 b में कितने हैं दो क्लियर अब इसका दूसरा सवाल a तो ये हो जाएगा कि दोनों गर्ल्स हो जी हो और बी में क्या आएगा इस बार न्यूनतम एक न्यूनतम एक जी हो न्यूनतम एक जी होनी चाहिए तो इसमें तो क्या आएगा वही जी जी और इसमें न्यूनतम एक जी सैंपल स्पेस में देखो कम से कम एक जी होना चाहिए बी जी जी बी और जी जी तो ये आ जाएगा आपके प्रायिकता कितनी आ जाएगी ए अपॉन बी की तो कॉमन तो हो गया एक और बी में आ जाएगा तीन तो एक बटेवा तीन आ जाएगा क्लियर अब मैं बढ़ता हूं फिर आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शानदार सवाल है और इसका आधा क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है तो ये मुझे इधर लिखना पड़ेगा एक बार मैं क्वेश्चन को पूरा कर लेता हूँ भाई देखिए क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है एक पेपर सेट करना मुझे और पेपर सेट करना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्लियर तो हो सकता है कि मैं दो ऑप्शन वाला रखू हो सकता है कि तीन ऑप्शन हो सकता है कि चार ऑप्शन हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस का भी कर दू ये मेरी मर्जी क्लियर तो देखो यहाँ पर एक प्रशिक्षक के पास तीन सौ सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न ध्यान से देखना यहां पर तीन सौ सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न दो सौ सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न और बहुविकल्पीय में पांच सौ प्रश्न पांच सौ प्रश्न आसान है और चार सौ प्रश्न कठिन है एक बार वापस आप खुद ही पढ़ो इसको ये कह रहा है कि सत्य असत्य में दो ग्रुप है सरल और कठिन बहुविकल्पी जिसमें चार ऑप्शन है ना उसमें भी सरल और कठिन का ग्रुप दे रखा क्लियर तो तब एक प्रश्न चुना जाए तो आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की आपको प्रायिकता निकालनी है अब यहां पर आप लोग देखो कि ए दे रखा कौन सी घटना घटित हो चुकी है और किसकी प्रायिकता निकालनी है। पहले वहां देखो तब चुना गया प्रश्न आसान प्रश्न के यानी यह घटना तो घटित हो चुकी है आसान प्रश्न के बहुविकल्पी होने की आपको प्रायिकता निकालनी है बहुविकल्पी होने की प्रायिकता निकालनी है और जबकि तो प्रश्न किस प्रकार का होना चाहिए आसान प्रश्न होना चाहिए तो मैं यहां पर ई नाम तो किसको दे देता हूं प्रश्न का आसान होना प्रश्न का आसान होना और एफ नाम में किसको दे देता हूं कि प्रश्न का बहुविकल्पी होना प्रश्न बहुविकल्पी होना बहुविकल्पी और अब आप लोग देखो कि हमें निकालना क्या है कि एक आसान प्रश्न के ये घटना तो घटित हो चुकी है और होने की निकालनी ऐप की आपको निकालनी है घटना घटित हो चुकी है तो ये क्या इंटरसेक्शन तो में कितने एलिमेंट आएंगे देखो इंटरसेक्शन में क्या आएगा प्रश्न आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो सोचो स्टूडेंट ऐसे कितने प्रश्न है जो आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो तो आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो 500 ऐसे सवाल है जो बहुविकल्पी भी है और आसान भी है तो ये जो स्थिति है वो तो आएगी आपके 500 सौ ई में क्या आएगा प्रश्न आसान हो तो आसान प्रश्न कितने है? तो आसान 300 तो इधर है और 500 इधर है तो ये आएगा आपके 300 और प्लस के 500 देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला वेरी इंपोर्टेंट इस एक्सरसाइज में अगर मुझसे पूछे ना तो चार क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट थे एक तो वो लड़की चार सौ तीस लड़कियों वाला उसके बाद एक एग्जाम्पल और उसके बाद ये और उसके बाद इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था उसके बाद उसके बाद में पता भी चल रहा है कि नहीं चल रहा एक तो ये वाला एक ये वाला नहीं आप पीछे ये 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 इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता देखो क्योंकि आप कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि कौन सा है सवाल है बाकी इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है अगली बात समझ में तो अच्छे से इस बात को समझ लेना कि ई और एप घटना नहीं दे पा रहे हो ना तो भी मुश्किल में आ जाओगे तो घटनाएं देखो कि प्रश्न आसान होना चाहिए और बहुविकल्पीय होना चाहिए तो यी यी तो नाम दे दिया मैंने प्रश्न का आसान होना नाम दे दे, होना फिर मैंने देखा प्रश्न के बहुविकल दे, अप तो को देखो कि चाहिए क्या ई और ऐप में कॉमन या या क्या है आसान भी हो बहुविकल्पी भी हो तो आसान भी हो बहुविकल्पी भी हो पांच सौ है क्या आएगा ई क्या है आसान हो आसान में तीन सौ भी और पांच सौ भी क्लियर आगे बढ़ते हैं यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न है दो पासे को यह दिया गया है कि दो पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न है दोनों संख्याओं का योगफल चार होने की आपको प्रायिकता निकालनी है तो देखो यहां पर अगर मैं इस घटना को ई नाम दे देता हूं कौन सी घटना को दो पासे को फेंकने पर जो संख्याएं भिन्न भिन्न आ रही अगर मैं इसको नाम दे देता हूं ई तो ई में क्या क्या आएगा तो ये में सारी ख्या वन टू वन थ्री वन फोर वन फाइव वन सिक्स फिर टू वन टू थ्री टू फोर ऐसे ये सिस्टम बढ़ता जाएगा और लास्ट में एंडिंग सिक्स फाइव पर हो जाएगी ऐसी कितनी संख्या होगी तो तीस होगी क्योंकि वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स नहीं आएगा उसके बाद एफ एफ में नाम दे रहा हूं इसको और ये क्या है ये है आपके दोनों संख्याओं का योग पल चार होना सिंपल स्पेस में जो छत्तीस घटनाएं है उसमें विचार करो कि योग पल चार कब हो सकता है वन थ्री टू टू और थ्री वन तो यहां पर ई और एप में कॉमन क्या है तो एक तो वन थ्री दिखाई दे रहा है एक थ्री वन दिखाई दे रहा है क्योंकि डिफरेंट होंगे जो ही तो कॉमन आएंगे अब आप लोग देखो कि हमें करना क्या है यदि यह दिया गया कि यानी ई वाली घटना तो घटित हो चुकी है और एप की आपको प्रायिकता निकालनी है तो एप नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एप अपॉन में नंबर ऑफ इन ई तो इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन में किधर गया दो अवय है ई में कितने हैं तो तीस है तो कितने हो जाएंगे एक बटेवा पंद्रह क्लियर फोर्टीन वाला क्वेश्चन हो गया दो क्वेश्चन और बचे एक पासे को फेंकने पर विचार कीजिए ध्यान से देखना यहां पर एक पाशे को फेंकने पर विचार कीजिए यदि पासे पर पासे पर प्रकट संख्या तीन का गुणज आती है तो पासे को ही फेंकेंगे क्लियर और अगर तीन का गुणज नहीं आती है तो सिक्का फेंकेंगे आप शुरुआत में क्या फेंक रहे हो पासा। आपके पास एक डाइस है और डाइस को फेंकने पर दो स्थितियां ये बता रहा है कि तीन का गुणज आता है तो तीन का गुणज क्या क्या होता है तीन या छह तीन या ही तो होगा। अगर तीन का गुण जाता है तो वापस पासा फेंकेंगे यानी छह स्थितियां फिर से प्रकट हो सकती है सिक्स और, और अगर मान लो अन्य कोई संख्या है यानी अगर तीन का गुण जाता है तो यह मामला होगा यदि शुरुआत में अगर आपके अन्य संख्या आती है तो अन्य संख्याओं में क्या क्या हो सकता है वन टू फोर और फाइव अन्य संख्या प्रकट होती है तो आप एक पासा फेंकते हो तो सॉरी सिक्का फेंकते हो तो क्या आ सकता है, है।, है तो तो देखिए फिर यहां पर एक पासे को फेंकने पर विचार कर रहे हैं यदि पासे पर तीन या तीन का गुणा जाता है तो पासा ही फेंकेंगे और तीन या तीन के गुणज के अलावा आता है तो सिक्का फेंकेंगे क्लियर अब क्या कह रहा है घटना न्यूनतम एक पासे पर तीन प्रकट होना दिया गया हो अगर मैं इसको ई नाम दो दो। और घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की आपको प्रायिकता निकालनी है क्लियर यानी एप की आपको प्रायिकता निकालनी है ई पहले सैंपल स्पेस क्या होगा सैंपल स्पेस अगर आप बनाओगे तो ये आ जाएगा थ्री वन थ्री टू थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स और सिक्स वन सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स सिक्स क्लियर और यह आएगा आपके वन एच वन टू एच फोर एच फाइव एच और क्या आएगा वन टी टू टी फोर टी फाइव टी क्लियर ये हो गया आपके ऐसे अब स्टूडेंट आप लोग देखो ई घटना लिखो ई घटना को अब नाम लिखने की जरूरत नहीं यहां पर अंडरलाइन करके ई ई कह दे कि ये, ये है यानी सिक्के पर न्यूनतम न्यूनतम एक पासे पर तीन प्रकट होना चाहिए तो सैंपल स्पेस की तरफ देखो न्यूनतम एक पासे पर तीन कहां पर दिखाई दे रहा है थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री थ्री, थ्री, थ्री फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स एक तो ये हो गया उसके बाद ये सिक्स थ्री भी आएगा उसके बाद उसके बाद नहीं आएगा तो ये वो घटनाएं हैं जिसमें न्यूनतम एक पासे पर तीन आ रहा है अब ऐप में क्या आएगा सिक्के पर पट प्रकट होना चाहिए तो सिक्के पर पट ये रहा वन टी टू टी फोर टी फाइव टी वन टी टू टी फोर टी और फाइव टी क्लियर तो ये ऐप हो गया अब मैं निकाल लेता हूं ई इंटरसेक्शन ऐप तो ई इंटरसेक्शन ऐप में क्या आएगा भाई तो ई इंटरसेक्शन ऐप में देखो ना कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा है आएगा. तो आएगा तो फिर हमें निकालनी किसकी प्रायिकता है भाई हमें यहां पर दे रखा है न्यूनतम एक प्रकट होना तो दिया गया है नहीं ई घटना तो दे रखी है और आपको ई ऐप की प्रायिकता निकालनी है तो यहां पर आ जाएगा आपके नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई तो तो इधर आ जाएगा जीरो और इधर आ जाएगा जो भी है एक दो तीन चार पांच छह सात आंसर जीरो आएगा। क्लियर आएगा। अच्छा देखो नंबर ऑफ एलिमेंट तो आप लगा ही नहीं सकते हो ये तो बाई चांस ऐसा हुआ कि आंसर जीरो आ गया इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्लियर तो स्टूडेंट यहां पर इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला क्यों आया क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की तो इंटरसेक्शन में खाली जो होता है ना उसकी प्रायिकता क्या होती है? होती है है जीरो देखते आज का लास्ट अच्छा, लास्ट क्वेश्चन देखिए अच्छा हो गया काम क्लियर तो स्टूडेंट ये थी आपके प्रोबेबिलिटी की 13.1 एक्सरसाइज जिसमें मैं चाहता हूं कि आप लोग दोबारा बिना देखे सारे क्वेश्चन को एक बार कर लें आपकी पीडीएफ रेडी है आप जो प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर आप देख रहे हैं इसमें जाकर देख सकते हैं जो आपका जो एप है आर के क्लासेज उसमें आपकी सारी पीडीएफ अवेलेबल मैं करवा रहा हूं जो भी आप कंटेंट पढ़ते हो उसको अब मेरे हिसाब से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोग पीडीएफ निकलवा सकते हो आपको सेम डे ही मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्लियर तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं थैंक यू